बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी जो है वो बेटा हम बात करने लगे हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पे। नॉर्मली स्टूडेंट इसमें केयर नहीं करता, वो उसको पढ़ता नहीं है या जहन में नहीं रखता, तो उसे होता क्या है कि कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं होता लेकिन बहुत बड़ा इफेक्ट है। वो क्या है कि एग्जाम में दो नहीं चार चार नंबर के एमसीक्यू जो है वो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के बेसिस पे होते हैं। यानी आप कह लेंगे एवरेज पेपर के ना जो 5 मार्क्स है, अगर फ्रंटियर रिपोर्टिंग की बात करें तो वो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के बेसिस पे होते ही होते हैं। अगर एसपीआर में चले जाएंगे तो इससे भी ज्यादा नंबर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के बेसिस पे होते हैं। तो इस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पे जो है ये बीपीपी की किट जो है ना ये ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां पे चैप्टर 1 पे ओपन करके ना जो चीजें मैं पढ़ाऊंगा एक पढ़कर रीड कर, एक चैप्टर 1 पे ही है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। अब यहाँ पे एक तो मैं वैसे आपको एक डेफिनेशन शेयर करना चाहता हूँ कि जो कहते हैं कि गैप की होती है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल की, ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क नहीं है, लेकिन वैसे मैं आपसे इसको शेयर करना चाहता हूँ। ये गैप जो है ना ये उस सोर्स ऑफ रूल एंड रेगुलेशन का बताता है जिसके अंडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है, यानी कंबिनेशन ऑफ सोर्सेज विच गवर्न अकाउंटिंग, कि जो अकाउंटिंग को रन करते हैं जो अकाउंट्स को प्रिपेयर करने में यूज होते हैं, और आप अच्छी तरह जानते हैं ये डिपेंड कर रहे होते हैं नेशनल पे, नेशनल लॉज होते हैं वो बताते हैं, हर कंट्री का अपना नेशनल लॉ होता है, कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है जो अकाउंटिंग पे अप्लाई होता है। आप किसी भी अगर स्पेसिफिक कंट्री में तो आपकी उस स्पेसिफिक कंट्री का नेशनल कंपनी लॉ गैप का पार्ट है, उस कंपनी का नेशनल उस कंट्री का नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अक्सर कंट्रीज के अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो उसके नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो गैप का पार्ट होते हैं। और अगर वो लिस्टेड एंटिटी है तो लोकल स्टॉक एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट कोड ऑफ कोड कोड्स कहते हैं कि जो स्टॉक चेंज अगर लिस्टेड एंटिटी अगर अनलिस्टेड है तो इसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं है। ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड हम पढ़ते हैं ना ये नॉन मैंडेटरी होते हैं, यानी किसी कंट्री में जो है वो नॉन मैंडेटरी होते हैं कि ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसको हम पढ़ते हैं वो नॉन मैंडेटरी है, मैंडेटरी नहीं है, इसका मतलब ये कि नॉन एप्लीकेटरी है, कंपल्सरी नहीं होती। हाँ ये एक सेपरेट केस है कि जितने भी नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं वो प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल होते हैं, कि इंटरनेशनल को फोकस करके उससे गाइडेंस लेके ही नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इस पे एमसीक्यू भी ड्रॉप हो सकता है, कहीं पे एग्जामिनर आपसे इसकी डिस्कशन भी ले सकता है, लेकिन एनी हो हमारा जो काम है वो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का है। अब ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है इसमें सिंपल सी बात है, इसके जो है ना चैप्टर होते हैं कि जहाँ पे डिस्कशन चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 आपको चैप्टर को याद करने की जरूरत नहीं, ठीक। अब जो ये जो चैप्टर्स होते हैं ना, सबसे पहला चैप्टर जो फर्स्ट है वो ऑब्जेक्टिव बताता है, ठीक, वो ऑब्जेक्टिव बताता है कि जी वो किस लिए ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, इसका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मेरे जुबान से सुन लें कि भाई कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का पर्पस ये होता है कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो है जब कोई न्यू स्टैंडर्ड डेवलप करता है या एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड को अमेंड करता है तो वो अकॉर्डिंग टू कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क न्यू स्टैंडर्ड अमेंड है prepared या existing standard amend करता है तो according to conceptual framework, यानी assist the international accounting standard board to develop IFRS, ठीक, कि development of IFRS हर standard, क्योंकि हर standard में जो asset liability income expenses की definitions use होती है तो वो conceptual framework की basis पे होती है, ये broad assumptions होती है to prepare the financial standard। और दूसरा ये असिस्ट करता है बेटा, कई चीजें ऐसी होती हैं कि जिस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं होता, तो वहां पे फिर कंपनीज ने जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं तो इसका मतलब कोई गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, वहां पे फिर कंपनीज ने जो है उसकी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज होती हैं कि टू
टू डील विद द सिचुएशन। तो अकाउंटिंग पॉलिसी फिर उन्होंने अपने मुताबिक जो है अकाउंट्स प्रिपेयर करने, तो उस अकाउंटिंग पॉलिसी की डिटर्मिनेशन, उसकी फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होती है अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मौजूद ना हो। और तीसरी बात यह कि जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उनकी इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो भी अकॉर्डिंग टू कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होती है कि ऑल पार्टीज अंडरस्टैंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अंडरस्टैंड कर सके। ये ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्पज है, ये चैप्टर वन होता है इसका। फिर फर्दर जो है वो आपको इसको मूव करेंगे तो अकाउंट्स कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कहता है ये प्रिपेयर होंगे, ये इसी चैप्टर में है कि अक्रूअल बेसिस पे। अब अक्रूअल बेसिस का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी आपने बहुत ज्यादा पढ़ा होता बेटा, आपका स्टार्ट ही अक्रूअल बेसिस पे होता है, अकाउंटिंग डिपेंड ही अक्रूअल बेसिस पे होती है। इसका मतलब होता है कि इनकम एंड एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन द पीरियड इन विच दे रिलेट, कि जिस पीरियड से वो रिलेट है, नॉट इन विच दे पेड आर रिसीव्ड। इनकम और एक्सपेंसेस जिस पीरियड से रिलेटेड उधर रिकॉर्ड किए जाएंगे, जहां पे उसका कैश रिसीव और पे होता है वहां पे रिकॉर्ड नहीं होंगे। क्योंकि जैसे आप क्रेडिट सेल कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि क्रेडिट 31 दिसंबर को फॉर एग्जांपल आपका ये रेंट होता है, तो अगर आप क्रेडिट सेल कर रहे थे 27 दिसंबर को जिसकी पेमेंट होती है फरवरी में, तो 27 की सेल में इनकम में रिकॉर्ड होगा, दिसंबर के इस अकाउंट में आएगा, अगले साल में ये रिकॉर्ड नहीं होगा, ये अक्रूअल बेसिस से होती है। एनी हो जी, फिर इसका चैप्टर होता है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हाँ, ये वाली बात जो है एग्जामिनर पूछ लेता है, दो तरह के क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दो तरह के, एक फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ठीक, और दूसरे इनहेंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। दो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और बाकी फोर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इनहेंसिंग है। फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को ये कहते हैं कि आप कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसकी, यानी फीचर्स जो फ्रांचाइज स्टेटमेंट के होंगे, कि आप उसकी रिलायबिलिटी को जो है वो इनहेंस करने के लिए आप क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करेंगे, इसकी बजाय कि आप किसी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर को यूज ना करें। और एनहेंसिंग जो है वो इस क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्दर इंप्रूवमेंट लेके आते इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपसे पूछते हैं तो दो होते हैं, एक रेलिवेंस होता है और एक फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होता है, ये दो होते हैं। अब रेलिवेंस क्या होता है कि हम कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो रेलिवेंट टू द होगी ऑल यूजर। यूजर कौन होते हैं, स्टेक होल्डर जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करके अपने इकोनॉमिक डिसीजन करने होते हैं। ये फिनोमेना ऑफ कंपनी उसके फाइनेंशियल फिनोमेना ऑफ कंपनी से रेलिवेंट होगी कि तमाम यूजर जो भी डिफरेंस मतलब डिसीजन करना चाहते हैं, क्योंकि तमाम यूजर के डिसीजन में डिफरेंस होता है, सबके डिसीजन के डिफरेंस को ये कंसिडर लाजमी करे, रेलिवेंसी ये होती है। मिसाल के तौर पर देखे ना, इन्वेस्टर ने तो देखना है कि नंबर एक एग्जिस्टेड इन्वेस्टमेंट यानी जो शेयर है उसके कंपनी में उसने होल्ड रखने हैं तो उन्हें डिस्पोज करना है, और एज अ पोटेंशियल इन्वेस्टर उसने फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी। जबकि एम्प्लॉई ने तो जॉब रिटेंशन देखनी है कि सबके डिसीजन में डिफरेंस होता है, सप्लायर ने तो देखना रिकवरी या पेमेंट ऑन टाइम होगी कि नहीं होगी, हर पर्सन का एक डिफरेंट स्टेक है। तो तमाम स्टेक होल्डर के डिसीजन में जो डिफरेंसेस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको कैटर करे, ये रेलिवेंसी होती है, रेलिवेंसी या मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। और इस रेलिवेंस का तल्लक जो है वो मटेरियलिटी से होता है, मटेरियलिटी इज ए पार्ट ऑफ रेलिवेंसी, ये याद रखिएगा, ये ना बोलना मटेरियलिटी रेलिवेंट रेलिवेंसी को। मटेरियलिटी क्या होती, दैट एरर और ओमिशन, that error or omission which may affect the user decision, yani stakeholder decision pe jo error or omission affect kare, yani wo itni value ki ho ke wo user ke decision ko impair kar sakti ho, to itni value wo material cheeze relevant hoti hai, agar immaterial hai, agar immaterial errors wagaira hote bhi hai to wo irrelevant hai, usko koi masla nahi hai। material by value bhi hote hai, material by nature bhi hote hai।
जैसे डिस्ट्रॉयर ऑफ फ्रांसिस स्टेटमेंट बाई नेचर में जो होते हैं बाई नेचर वो मटीरियल होते हैं, जैसे स्पेशली रिलेटेड पार्टी इशू, जैसे कंपनी से रिलेटेड, जैसे ग्रुप ऑफ कंपनी है, पेरेंट्स से सब्सिडियरी रिलेटेड है, या कंपनी की हाई मैनेजमेंट की मैनेजमेंट है वो रिलेटेड पार्टी होते हैं, तो उनसे रिलेटेड ट्रांजेक्शन को मटीरियल है कि उसको डिस्क्लोज करना जो है वो जरूरी होता है। तो मटीरियलिटी जो है वो रेलिवेंसी से अटैच होती है कि हर मटीरियल चीज रेलिवेंट होगी, इन मटीरियल चीज जो है वो रेलिवेंट है नहीं। फिर फेथफुल रिप्रेजेंटेशन है। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ये कि जाहिर नाम से पता चलता है जिसके पार किया जा सकता हो कि ये फेथफुल कि कंपनी के इकोनॉमिक फिनोमेना के उसके बारे में हो जो फेथफुली जिस पर रिलाय किया जा सकता हो। इसमें याद रखिएगा इसमें फर्दर फीचर होते हैं, ये कंप्लीट होनी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट होनी चाहिए कि इसमें तमाम नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। वो नेसेसरी इंफॉर्मेशन चाहे फेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो, यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप देखते हैं उसमें सामने से आपको देख रहे ना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में सामने से आपको नजर आता है रेवेन्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल, ये फेस है। अब उस रेवेन्यू में किस प्रोडक्ट का कितना रेवेन्यू है, उसमें से जो है वो मतलब सेल रिटर्न कितनी है, या किस एरिया से कितना रेवेन्यू है, या कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग इन्वेंट्री क्या, क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या, या परचेजेस क्या, कैरेज क्या, ये चीजें जो है ये डिस्क्लोज होती है, ये फेस पे नहीं होती, ये डिस्क्लोजर इन नोट्स होते हैं। कि एक फाइनेंशियल कंप्लीटनेस का मतलब ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए फेस पे या डिस्क्लोजर पे, वट एवर जहां पे डिस्क्रिप्शन है उसे प्रोवाइड करनी चाहिए। फिर इसमें दूसरी बात कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो न्यूट्रल हो। अब न्यूट्रल का मतलब होता है अनबाइस्ड हो। देखो बाइस ये कहां पे होगी, जहां पे मैनिपुलेशन होगी। न्यूट्रल का मतलब होता है अवॉइड मैनिपुलेशन, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपने मैनिपुलेट ना किया हो। जैसे आपने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर दी, अगर आप जैसे ये होता है ना मतलब कास्ट मॉडल है, रिवॉल्यूशन मॉडल है, आप कास्ट मॉडल से रिवॉल्यूशन मॉडल पे चले जाते हैं, एसेट पे पीपी में चले जाते हैं, तो एसेट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक, उसको आप डिस्क्लोज करते तो इट्स ओके। लेकिन अगर आप उसको डिस्क्लोज नहीं करते, एसेट की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, तो अकाउंट मैनिपुलेट हो जाएगी। जैसे प्रोविजन एक्स्ट्रा राइज कर ली या राइज ना की तो मैनिपुलेट हो जाएंगे। तो अकाउंट्स को मैनिपुलेट नहीं करना, न्यूट्रली प्रेजेंट करना, जो टू या फेयर पोजीशन ऑफ कंपनी है उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हो, कंप्लीट हो, न्यूट्रल हो और फ्री फ्रॉम एरर। थर्ड इसका फ्री फ्रॉम एरर्स, कि उसमें एरर नहीं होनी चाहिए किसी किस्म की भी। अब यहाँ पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखिए अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ चीजें रिकॉर्ड होती हैं जिन्हें ट्रांजेक्शन कहते हैं। ट्रांजेक्शन तो डीलिंग बिटवीन पर्सन है, जैसे सेल की, परचेज की, इनकम है, एक्सपेंसेस है, कोई लोन लिया, कोई शेयर इशू किए, कोई लोन रिफंड किया, ये ट्रांजेक्शन है। अब ट्रांजेक्शन में तो वो ज़्यादा अकॉर्डिंग टू सोर्स डॉक्यूमेंट उसमें एक्यूरेसी मौजूद रहती है, नॉर्मली वहां पे 100% परफेक्ट एक्यूरेसी रिक्वायर्ड होती है। लेकिन अकाउंट्स में कई चीजें ऐसी रिकॉर्ड की जाती है जिन्हें इवेंट्स कहते हैं। वो इवेंट्स कौन से होते हैं, कंडीशन विच इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हालते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट करती हैं। मिसाल के तौर पे जैसे प्रोविजन एक हालत है, कि जैसे प्रोविजन आप पे केस किया ये एक हालत है, इसमें एस्टिमेशन जजमेंट इन्वॉल्व है, चांसेस प्रोबेबल है, पॉसिबल है। अब देखे ना वैल्यूएशन ऑफ एसेट करते, रिवैल्यू करते, फेयर वैल्यू, उसमें असम्पशन इन्वॉल्व होती है, ठीक, ऐसे बहुत सारी चीजें, फेयर वैल्यू में भी असम्पशन होती है, फिर इसमें भी अपना प्रोविजंस पे भी होते हैं, यानी कि इसके अलावा भी बहुत सारी जगह फेयर वैल्यू का कंसेप्ट अप्लाई होता है। जैसे कहीं किसी एसेट की आपके प्रेजेंट वैल्यू लेनी हो तो प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंट रेट, ये अजम्पशन बेसिस चीजें होती है। तो जहाँ पे अजम्पशन बेसिस चीजें होती है वहां पे 100% एक्यूरेसी पॉसिबल नहीं होती, वहां पे इनएक्यूरेसी होती है और उस इनएक्यूरेसी को जो है वो बेयर किया जाता है। इसमें मैनेजमेंट एफर्ट देखी जाती है कि उन्होंने जो अपनी तरफ से जो है वो फेयरली प्रेजेंट किया हो, वो इनएक्यूरेसी को थोड़ी बहुत लिटिल बिट हो भी तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है। और फिर ये कि फेथफुल रिप्रेजेंटेशन में फर्दर एक कॉन्सेप्ट था प्रूडेंस। प्रूडेंस पहले उन्होंने निकाल दिया था, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा मतलब कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का हिस्सा नहीं था,
ये जो मार्च 2018 में कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है अपडेट हुआ, तो उस मार्च 18 में फिर फर्दर इस पे जो डिस्कशन आई, तो उन्होंने प्रेडेंस कॉन्सेप्ट को 2010 में इसे एक्सप्लोर किया था। मार्च 18 में अगेन उन्होंने प्रेडेंस कॉन्सेप्ट को कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का हिस्सा बना लिया, क्योंकि प्रेडेंस कॉन्सेप्ट का तल्लुक होता है किससे, एस्टिमेशन से, जजमेंट जहां पे इन्वॉल्व होती है। तो वो कहते हैं प्रूडेंटली फिगर को देखा जाए, डिग्री ऑफ कॉशन होती है कि आप किस लेवल की कॉशन जो एहतियात जो है वो बरत रहे हैं। जैसे इसको ये भी कहा जाता है कि ऐसा शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड, लायबिलिटी शुड नॉट बी अंडरस्टेटेड, ये भी इसको कहा जाता है कि जैसे अगर आपको पता है प्रोबेबल कैश आउटफ्लो के चांसेस, आप करो लायबिलिटी रिकॉर्ड कर, लेकिन प्रोबेबल अगर इनफ्लो है तो आप उसे एज अ एसेट रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वो कंटेजेंट एसेट डिस्क्लोज कर सकते हैं, उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, डेबिट क्रेडिट नहीं कर सकते उसका। तो ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बेसिकली पार्ट होता है, ये पार्ट है सब्सटेंस ओवर फॉर्म का। सब्सटेंस ओवर फॉर्म फेथफुल रिप्रेजेंटेशन है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म पार्ट ऑफ क्या है, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, और सब्सटेंस ओवर फॉर्म में फर्दर प्रेजेंस है। अब सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या है, कि चीज की हम फाइनेंशियल वैल्यू को कंसीडर करेंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम उसकी फाइनेंशियल वैल्यू को कंसीडर करेंगे, लीगल वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक, यानी कि फाइनेंशियली देखेंगे कि क्या उसका स्टेटस है, लीगली नहीं देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको मैं बताता हूँ कि दो एग्जाम्पल दे देता हूँ। लेट्स से ये लीज पे जब हम एसेट लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू लॉ लीगल पोजिशन उसकी रेंट की होती है। जैसे एसेट हमने लीज पे लिया, जैसे व्हीकल जो है वो बैंक से लीज पे ले ली, अकॉर्डिंग टू लॉ वो तो रेंट है, वो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि वो रेंट पे आपने गाड़ी ली हुई बैंक से, लेकिन वो लॉ है, कानून है, तो हमने लीगली उसकी वैल्यू नहीं देखनी, हमने तो देखना कि जो रिसोर्स कंट्रोल में है, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में है, उसका इकोनॉमिक बेनिफिट हम उठा सकते हैं, तो हम उसे इकोनॉमिक फाइनेंशियल की वजह से जो है उसे एज अ एसेट रिकॉर्ड करते होते हैं। ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म की वजह से ये चीज को फाइनेंशियल एवेल्यूएट करना लीगल नहीं। जैसे देखे ना, ये जो पेरेंट सब्सिडरी का रिलेशन होता है ग्रुप ऑफ कंपनी में, तो आपको पता कि हर कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कि पेरेंट का लीगल स्टेटस सेपरेट है, सब्सिडरी का लीगल स्टेटस सेपरेट है, दोनों के लीगल स्टेटस सेम नहीं है। जो पेरेंट पे केस फाइल होना या पेरेंट ने केस फाइल करना, वो पेरेंट ने करना, जो सब्सिडरी पे होना वो सब्सिडरी ने करना। ऐसा होता है कि सब्सिडरी लिक्विडेट हो जाए, वाइंड अप हो जाए, लेकिन पेरेंट फिर भी चलती रहे, यानी सब्सिडरी की डेट इतनी है कि वो लिक्विडेट हो, तो इसमें ऐसा इशू नहीं होता, लेकिन क्योंकि दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है। लेकिन हम इसको कंसोलिडेट जो करते, हम उसमें तो एसेट प्लस एसेट लाइबिलिटी प्लस लाइबिलिटी इनकम प्लस इनकम एक्सपेंस प्लस इकट्ठा क्यों करते हैं, इसलिए कि उनका फाइनेंशियल स्टेटस सेम है, लीगली वो सेपरेट है, फाइनेंशियल सेम है, इसलिए कंसोलिडेट किया जाता है, क्योंकि अकाउंट्स में फाइनेंशियल स्टेटस देखा जाता है, लीगल स्टेटस नहीं देखा जाता। एंड प्रेडेंस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ जो है वो सब्सटेंस ओवर फॉर्म। फिर इसमें फर्दर इनहेंसिंग क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ, जिसमें कंपेयरेबिलिटी, कि हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कंपेयरेबल होनी चाहिए। कंपेयरेबिलिटी का जो तल्लक है, यानी कि ये देखिए ना, कंपेयरेबिलिटी का तल्लक होता है सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस से, कि जैसे करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रीवियस ईयर से कितनी सिमिलर और कितनी डिफरेंस है। क्योंकि देखिए अकाउंटिंग पॉलिसीज की कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड होती है कंपेयरेबिलिटी के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट अप्लाई होता था, वो कंसिस्टेंसी का होता था, कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज जो आपने प्रीवियस ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करने के लिए यूज की, वो करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेम अकाउंटिंग पॉलिसी प्रिपेयर अप्लाई होगी। जैसे प्रीवियस ईयर अगर इन्वेंट्री पे आपने फाइफो अप्लाई किया, तो करंट ईयर पे भी एफको नहीं अप्लाई करोगे, फाइफो ही अप्लाई करोगे, कंसिस्टेंसी रखेंगे ताकि वैल्यूज में फर्क ना हो। हाँ, अगर आपने चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी IS-8 के अकॉर्डिंग आपने उसे चेंज करना भी है, तो नो इशू, कर लो, लेकिन उसको फिर डिस्क्लोज करना जरूरी होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे जो है फुट नोट्स पे उसे डिस्क्लोज करते हैं कि ये अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होने का इफेक्ट ये इतना आया। डिस्क्लोजर या डिस्क्लोजर ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी या कंसिस्टेंसी, ये कंपेयरेबिलिटी जो है
उसको मतलब जिसे कहते हैं इंश्योर करती है, और कंपेयरेबिलिटी इंश्योर हो तो उस पर जो है रिलायंस बढ़ जाता है। और फिर इसमें वेरीफाइबिलिटी होता है। वेरीफाइबल का मतलब होता है कि जितने भी इंडिपेंडेंट स्टेक होल्डर है वो तमाम जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस करें तो सब सेम कंक्लूजन पे जाए। कि फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है उसके इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर बहुत होते हैं, नंबर ऑफ पर्सन, कि उसमें एक्स के पास भी शेयर है, वाई के पास भी है, जी के पास भी है, कि वो जो भी उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस जाए उसके सामने परफॉर्मेंस एंड पोजीशन सेम प्रेजेंट हो। वेरीफाइएबल का भी होता है कि वेरीफाइएबल हो कि सेम कंक्लूजन पे अगर वो जाते हैं तो इसे कंपेरेबिलिटी वेरीफाइबिलिटी कहते हैं। और तीसरी फिर इसमें एनहेंसिंग में थर्ड जो होता है वो टाइमलीनेस। टाइमलीनेस का मतलब क्या, फ्रांसिस स्टेटमेंट विदाउट डिले जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टेक होल्डर के इकोनॉमिक डिसीजन उस पर डिपेंड कर रहे हैं। आप डिले करोगे तो आउटडेटेड इंफॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि हिस्टोरिकल बेसिस पर पहले प्रिपेयर है। ड्यूरिंग ईयर की ट्रांजेक्शन की फ्रांसिस स्टेटमेंट ईयर एंड के बाद तो पहले ही बन रही है। मजीद डिले करोगे तो वो आउटडेटेड इंफॉर्मेशन उनके पास आएगी, उनके जो है इम्प्रूव डिसीजन, फिर डिसीजन उनके उनपे पॉसिबल है। नहीं है तो विद डिले इमीडिएटली जो है प्रेजेंट होनी चाहिए आफ्टर क्लोजिंग ऑफ ईयर। ये इसमें टाइमलीनेस है। फिर अंडरस्टैंडेबिलिटी, के फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी अंडरस्टैंडेबल फॉर अ पर्सन हु हैज रीजनेबल नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये नहीं होता कि ये अंडरस्टैंडेबल जो है चीजें का मैं जैसा जैसा सबके लिए हो। भाई अंडरस्टैंडेबल उसके लिए जिसके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मतलब का रिलेटेड जो है उसको रीजनेबल नॉलेज। देखिए ना, एक पर्सन अकाउंटेंसी को समझते ही नहीं है तो उसके लिए तो अंडरस्टैंडेबल, उसे क्या पता क्या एसेट क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, जॉर्गन्स है ना हर फील्ड के अपने। तो इसलिए ये कि अंडरस्टैंडेबल भी होनी चाहिए। फिर फर्दर इसमें जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें फिर ये आते हैं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्टिंग एंटिटी जिसकी भी हो है ना वो उसका गोइंग कंसर्न हो। गोइंग कंसर्न जो होता है ये अंडरलेइंग अजम्पशन होती है। अंडरलेइंग अजम्पशन क्या होती है? अंडरलेइंग अजम्पशन का मतलब ये होता है कि फंडामेंटल अजम्पशन, यानी जिसकी बेस पे बाकी अब बिल्डिंग जो है वो स्टैंड कर रही है। तो गोइंग कंसर्न अंडरलेइंग अजम्पशन टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है कि बिजनेस विल बी रन फॉर 4 सीएपल, 4 सीएपल या 4 FORE वाला आया, FOUR ना कर देना। 4 सीएपल का मतलब ये कि जहां तक नजर आती है कि बिजनेस चलता रहेगा। इसका मतलब क्या होता है कि देयर इज नो मेजर थ्रेट व्हिच कैन अफेक्ट ऑन कंपनी, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन। कोई इतना बड़ा थ्रेट नहीं है कि जो कंपनी के पोजीशन पे इतना बुरी तरह अफेक्ट करे कि कंपनी लिक्विडेट हो जाए। नॉर्मली गोइंग कंसर्न 12 मंथ फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट देखा जाता है। ये अंडरलाइंग अजम्पशन है। फिर एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट क्या है? वो ही एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस, इक्विटी। लेकिन याद रखिएगा इनकी डेफिनेशन अब चेंज हो, पुरानी डेफिनेशंस ना यूज करते रहना तो डिस्क्राइब करा लेते हो पेपर में एग्जाम में। थोड़ा सा याद कर लिया करो, बादाम खाया करो यार, बादाम खाया करो, खाने नहीं शुरू कर देना, अकल ठोकरें खाने से आती, बादामों से भी आती। एसेट्स ये होते हैं ए प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। यहां पे मैं थोड़ी सी बात करना, प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, इकोनॉमिक रिसोर्स का मतलब विच इज एबल टू जनरेट फाइनेंशियल बेनिफिट। इकोनॉमिक रिसोर्स जिससे फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है, कोई इंटरटेनमेंट नहीं हो सकती, कोई पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकती। पर्सनल सेटिस्फेक्शन की चीजें एसेट नहीं होते अकॉर्डिंग टू अकाउंट, वैसे तो होते ही। तो बात ये कि प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज के जिससे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है, जिनको यूज रिसोर्स होता है समथिंग हैज टू बी यूटिलाइज, जिसको यूज करके कोई इकोनॉमिक फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है, कंट्रोल्ड बाई एंटिटी, ओन्ड नहीं, मलकियत ना हो या ना हो, कंट्रोल कंपनी के होनी चाहिए। अगर कंट्रोल्ड बाई कंपनी है, कंपनी उसका बेनिफिट ड्राइव कर सकती है। जैसे लीज पे लिया एसेट, लीगली वो आपका नहीं है लेकिन वो आपके कंट्रोल में, आप जैसे मर्जी यूज करो तो वो फिर एसेट में लिख दिया,
जाता है, लीज एसेट ही होती है ना, एसेट डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट, तो वो इसलिए लिखा जाता है क्योंकि आपका उस पर क्या है, कंट्रोल है। इस तरह एम्प्लॉइज को अगर आप ट्रेंड करते हैं तो हैं तो एसेट है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, लेकिन वो आपके कंट्रोल में नहीं होते, इसलिए हम एसेट नहीं लिखते। तो इस तरह लायबिलिटी, लायबिलिटी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ एंटिटी टू ट्रांसफर इकोनॉमिक रिसोर्सेज एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, कि ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको आप आपके कंट्रोल में नहीं अवॉइड करना, जिससे आप सेव नहीं हो सकते, बच नहीं सकते, आप करना पड़ेगा। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ एंटिटी ट्रांसफर इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज का मतलब जिसके लिए आपको कोई एसेट ट्रांसफर करना पड़े, कैश देते हैं तो तब भी तो घर एसेट ही है ना, कैश, बिल्डिंग देनी पड़े, मशीन, कोई एसेट ट्रांसफर करने की आपकी ऑब्लिगेशन हो एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, तो माजी में कोई इवेंट हुआ, पास्ट इवेंट के बगैर लायबिलिटी स्टैंड नहीं करती। और फिर इक्विटी द रेजिडुअल इंटरेस्ट इन एसेट ऑफ अ एंटिटी, रेजिडुअल का मतलब होता है रह जाने वाला, क्योंकि हम कहते हैं ना एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी। तो एसेट जब बिजनेस लिक्विडेट होता है, एसेट डिस्पोज ऑफ करके फर्स्ट ऑफ ऑल लायबिलिटी को पे किया जाता है, वो प्रायर चार्ज होता है, और फिर अगर उसमें से कुछ रह जाए तो वो इक्विटी का होता है। इसलिए रेजिडुअल इंटरेस्ट इन एसेट, इन द एसेट, ये हमारी क्या होती है इक्विटी, इसकी डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। फिर ये कि यहाँ पे डेफिनेशन जो है वो आपको इनकम की और एक्सपेंसेस की, इनकम क्या है, इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लायबिलिटी, एसेट आपके इंक्रीज हो रहे या लायबिलिटी डिक्रीज होगी, इंक्रीज दैट रिजल्ट इन इंक्रीज इन इक्विटी। ठीक है ना, हम इक्वेशन यूज करते हैं ना, एसेट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी, कंपनी में इक्विटी होता है, सोल प्रोप्रेटर में कैपिटल होता, कहीं पे कह दें साले गलत बना दीजिए, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता, पब्लिक भी तो ऐसी है। इंक्रीज इन एसेट हुआ या डिक्रीज इन लायबिलिटी हुआ, जिससे आपकी इक्विटी इंक्रीज हुई, एसेट के इंक्रीज होने से इक्विटी इंक्रीज हुई या लायबिलिटी के डिक्रीज करने से इक्विटी इंक्रीज की, लेकिन उसमें शर्त क्या है कि अदर देन दोज रिलेटिंग टू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द होल्डर ऑफ इक्विटी क्लेम, कि ये नहीं है कि इसमें पैसे फिर इन्वेस्टर ने लगाए, इन्वेस्टर के अलावा ये अगर एसेट इंक्रीज और इक्विटी इंक्रीज होती है या लायबिलिटी डिक्रीज इक्विटी इंक्रीज होती है, यानी इक्विटी में इंक्रीज होता है अदर देन इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के पैसे ना हो, उसको मजीद शेयर इशू ना किए हो, तो उसको आप कहते हैं कि इनकम है। और एक्सपेंसिस रिवर्स होता है, डिक्रीज इन एसेट इंक्रीज इन लायबिलिटी, ड्यू टू दिस डिक्रीज इन इक्विटी, ठीक वही अदर देन इन्वेस्टर, इन्वेस्टर ने विड्रा ना कराया, जैसे सोल प्रोपरेटर पार्टनरशिप में ड्राइंग होती है, उसने ना कराया हो लेकिन डिक्रीज हो गए, तो फिर हम कहते हैं ये हमारे क्या है, एक्सपेंसेस। फिर फर्दर मोर इनकम और एक्सपेंसेस की डेफिनेशन छोड़ के अब क्राइटेरिया रेकग्निशन और डी रेकग्निशन के भी चेंज हो गए, रेकग्निशन एंड डी रेकग्निशन। रेकग्निशन कि व्हेन एनी एसेट और लायबिलिटी इक्विटी पार्ट ऑफ इनकॉर्पोरेट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एसेट लायबिलिटी इक्विटी कब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकॉर्पोरेट होगी, उसका हिस्सा बनेगा। और डी रिकग्निशन व्हेन अनइनकॉर्पोरेट, कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं बनेगी, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उसे राइट ऑफ कर दिया जाएगा। अब पहले देखे ना, पहले होता था कि प्रेजेंट कंट्रोल कंट्रोल ऑन रिसोर्सेज दी इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोबेबल, अब वो क्राइटेरिया नहीं है, अब क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स के पहले दो रेलिवेंट एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, कि एसेट लायबिलिटी शुड बी रिकॉग्नाइज इफ इट विल बी बोथ रेलिवेंट एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, कि अगर रेलिवेंट है उसको फेथफुल रिप्रेजेंटेशन उसकी मौजूद है तो एसेट एंड लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज कर दिया जाए, क्राइटेरिया चेंज हो गया। इसको अब याद करें कि रेलिवेंट भी आपको पता क्वालिटेटिव करैक्टरिस्टिक है, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन भी क्वालिटेटिव करैक्टरिस्टिक है, तो ये कि ये रेलिवेंट एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। और डी रिकग्नाइज क्या होगा, जब कोई एसेट लायबिलिटी
डेफिनेशन से बाहर आ जाएगी। जैसे एसेट हम कहते हैं ना, इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एंटिटी, अगर कोई इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल्ड में नहीं रहेगा, आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, तो उसको डीरेकग्नाइज कर देंगे, या वो इकोनॉमिक रिसोर्स इकोनॉमिक तो फाइनेंशियल बेनिफिट जनरेट करने के काबिल नहीं रहेगा, तो वैसे की डेफिनेशन मीट नहीं करेगा, तो हम उसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से डी रिकॉग्नाइज करते हैं। तो जब भी कोई चीज एसेट लायबिलिटी इक्विटी के क्राइटेरिया को अमिट करेगी, यानी वहां से एग्जिट होगी, तो ऑटोमेटिकली उसको डी रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा। और फिर मेजरमेंट बेसिस होती हैं, ये तो खैर आप, मैं नहीं समझता कि ये इस लेवल पे रेलिवेंसी भी है। देखिए मेजरमेंट अमाउंट, मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, अमाउंट, अमाउंट हिस्टोरिकल कास्ट वैल्यू इन यूज, फेयर वैल्यू, करंट कास्ट, कि चार तरह के अमाउंट्स पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डाटा आता है मुख्य स्टैंडर्ड के मुताबिक। हिस्टोरिकल कास्ट तो पता है कि एक्चुअल कास्ट परचेज आर प्रोड्यूस, कि एक्चुअली आपने जैसे बिल्डिंग कितने की डेवलप की या आपने मशीन कितने की परचेज की, ये हिस्टोरिकल पास्ट कास्ट है। और वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक फ्यूचर कैश इनफ्लो, कि किसी एसेट को यूज, वैल्यू इन यूज का लफ्ज आपको याद कराता हूँ, यूज IS 36, वो जब इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करते हैं रिकवरेबल वैल्यू, तो वैल्यू इन यूज के प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक इनफ्लो, के इकोनॉमिक जो इनफ्लो किसी एसेट को यूज करके फ्यूचर में आएंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की जाए, तो उसे वैल्यू इन यूज कहते हैं। और फेयर वैल्यू, और फेयर वैल्यू से आप अच्छी तरह वाकफ है, ये IFRS 13 है, कि प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड आर सेल एन एसेट आर पेड टू ट्रांसफर आर लायबिलिटी इन ऑर्डरली ट्रांजेक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट इन ऑन मेजरमेंट डेट। ये IFRS 13 की डेफिनेशन है एज इट इज, के एसेट सेल करके जो पैसे हैं या लायबिलिटीज पे करके जो पैसे देने पड़ेंगे, ठीक, आम रूटीन में मार्केट पार्टिसिपेंट के जो बिल्कुल मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिन्होंने ट्रांजेक्शन की है, मेजरमेंट डेट, जिस डेट को आप फेयर वैल्यू मेजर कर रहे हैं। और फिर ये कि इसमें करंट कास्ट, करंट कास्ट रिप्लेसमेंट कास्ट होती है, रिप्लेसमेंट कास्ट का एस्टिमेटेड परचेज प्राइस ऑफ एसेट। तो ये चार मेजरमेंट बेसिस जो होती है, इसकी डेफिनेशन भी हो सकता है एग्जामिनर कभी आपसे पूछ ले। और फिर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, ओवर आपने प्रेजेंटेशन भी नहीं करनी, ओवर इन्फॉर्मेशन भी, कंसाइज प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन आपने मतलब प्रोवाइड करनी है, क्योंकि अगर ओवरलोड इन्फॉर्मेशन को कर लेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, ओवरलोडिंग कन्फ्यूजन के, प्रिसाइज एंड कंसाइज आपने जो है इन्फॉर्मेशन उसके प्रेजेंटेशन में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फेस पे है उसके डिस्क्लोजर में आपने करनी है, जिसको अंडरस्टैंडेबल करना आसान। और लास्ट इसमें जो होता है ना, वो कंसेप्ट ऑफ कैपिटल मेंटेनेंस होता है, कंसेप्ट कैपिटल मेंटेनेंस, मेंटेन कैपिटल, मेंटेन कैपिटल में दो कंसेप्ट होते हैं, फाइनेंशियल कंसेप्ट ऑफ कैपिटल और फिजिकल कंसेप्ट ऑफ कैपिटल, पूछ सकता है, यानी दो नंबर का एमसीक्यू ही पूछ ले चले आपसे। फाइनेंशियल कंसेप्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, कि जो नॉमिनल अमाउंट ऑफ कैपिटल होती है एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर एंड एट द एंड ऑफ ईयर, कि मेंटेन करना है, कि ईयर स्टार्ट पे अगर नॉमिनल वैल्यू ऑफ कैपिटल 10 मिलियन है तो ईयर एंड पे भी 10 मिलियन ही रहेगा, ये ना हो कि वो रिड्यूस, इसे मेंटेनेंस कहते हैं। हाँ, अगर इंक्रीज इन कैपिटल होगा फ्रॉम बिगिनिंग टू ईयर एंड पे तो उसे प्रॉफिट कहेंगे, लेकिन वो फाइनेंशियल प्रॉफिट होगा। कौन सा प्रॉफिट होगा? फाइनेंशियल प्रॉफिट, कि मॉनिटरी नॉमिनल वैल्यू ऑफ कैपिटल को फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं, उसको भी मेंटेन करना। और फिर ये कि फिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल का मतलब प्रोडक्टिविटी से है, कि जो प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्शन एबिलिटी किसी कंपनी में ईयर स्टार्ट पे है, ईयर एंड पे भी वो मेंटेन रहे, कि अगर ईयर स्टार्ट पे वो 10,000 यूनिट पर एनम बना सकता है, तो ईयर एंड पे भी 10,000 यूनिट पर एनम की उसके पास कैपेसिटी हो, और अगर उसकी प्रोडक्टिव प्रोडक्शन एबिलिटी में इंक्रीज आएगा तो फिर उसको प्रॉफिट देगा। लेकिन ये कि बहरहाल कि प्रोडक्शन एबिलिटी अगर स्टार्ट पे जितनी ईयर एंड पे भी हो तो इसे फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस कहते हैं। इस तरह नॉमिनल वैल्यू ऑफ कैपिटल जो ईयर स्टार्ट पे जो एंड पे, इसे नॉमिनल कैपिटल मेंटेनेंस कहते हैं, ठीक। क्योंकि इसका तल्लक करंट परचेज प्राइस से होता है, कि इन्फ्लेशन को
प्राइस, और इसका तलक करंट कास्ट अकाउंटिंग से होता है। सीपीए से कहते हैं, इसे सीसीए कहते होते हैं। बहरहाल ये चीजें देखें, फिर बात होगी आपसे किसी और टॉपिक पे। अभी के लिए अल्लाह।